दोस्तों, हम सभी ने सुपर हीरोज की फिल्म्स तो देखी ही हैं और हम सब उनके दीवाने भी हैं, और अक्सर हम ये मान बैठते हैं कि सुपर हीरो असल जिंदगी में भी होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। उनकी फिल्मों में दिखाई जाने वाली खास व्हीकल भी, जो कि दिखने में खूबसूरत, मजेदार और ताकतवर दिखाई पड़ती है, दरअसल हम उसे भी असली मान बैठते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये व्हीकल दुनिया में सच में है? तो जवाब है हाँ। दोस्तों, कुछ सुपर हीरोज की सुपर हीरो व्हीकल केवल कल्पना मात्र ही नहीं, बल्कि हमारे और आपके बीच में मौजूद भी है। इसका स्वरूप जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, कुछ उसी तरह से असलियत में भी है। तो आइए जानते हैं इन सुपर व्हीकल के आकर्षक लुक और कूलेस्ट डिजाइन और पावर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने फैक्ट साइट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। द एक्स जेट। फ्रेंड्स, आप सभी ने एक्स मैन फिल्म तो देखी ही होगी। उसमें जिस विमान का प्रयोग किया गया है, उसे एक्स जेट कहा जाता था। ये एयरक्राफ्ट म्यूटेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा साधन था। इस विमान की अद्वितीय रफ्तार इन म्यूटेंट्स को बिना किसी देरी के सही जगह पर पहुंचा देती थी, जिससे वो घटनास्थल पर हुई दुविधा को समय रहते दूर कर लेते थे। लेकिन ये एयरक्राफ्ट उन म्यूटेंट कलाकारों की तरह काल्पनिक नहीं, बल्कि एक असली विमान है। इस विमान का दोस्तों पूरा नाम SR-71 ब्लैक बर्ड है। लॉकहीड मार्टिन नामक कंपनी के द्वारा इस विमान को बनाया गया था, जिसकी रफ्तार 2193 मील प्रति घंटा है। एयरक्राफ्ट का लुक अद्भुत दिखाई पड़ता है। अपने काले रंग के होने की वजह से और आकाश में पक्षी की तरह उड़ने के कारण इसका नाम ब्लैक बर्ड रखा गया था। इस विमान की खास बात यह है कि इसकी आंतरिक कक्षाओं में इतनी ज्यादा शांति है कि अगर कोई पानी गिरा दे तो उसकी आवाज भी स्पष्ट सुनी जा सकती है। 25 वर्षों में ब्लैक बर्ड पर 4000 मिसाइलें छोड़ी गईं। सौभाग्य से किसी भी मिसाइल ने इस विमान को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिल्वर सर्फर बोर्ड। मार्बल के सिल्वर सर्फर से तो सभी परिचित होंगे। सिल्वर सर्फर जिस सर्फिंग बोर्ड का इस्तेमाल करता था, वो चमकदार सिल्वर रंग का था। इस चमकदार बोर्ड की सहायता से सर्फ करने वाले इस सुपर हीरो को इसी वजह से तो सिल्वर सर्फर कहा जाता था। ये एक कॉस्मिक बोर्ड है जो सिल्वर सर्फर को एक अद्वितीय रफ्तार देने के लिए सक्षम था। सिल्वर सर्फर बोर्ड कोई मीडियम बोर्ड नहीं है। इस बोर्ड को कॉस्मिक पावर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि फिल्म में मिसाइल बोर्ड से टकराने के बाद पूर्ण रूप से ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती थी। सन 2016 में न्यूयॉर्क सिटी में ऐसे ही सिल्वर सर्फर बोर्ड सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर सब चौंक गए थे। बोर्ड को देखते ही सब ने सेल्फी वीडियोस और फोटोज लेना शुरू कर दिया। दरअसल ये एक लक्सस होवर बोर्ड है, जो कि पृथ्वी तल से 4 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ रहता है। इसकी शानदार चमक के लिए तरल नाइट्रोजन और कुछ सेमी कंडक्टर उत्तरदायी हैं। इस पर चलना बेहद मजेदार होता है। द टम्बलर। सुपर हीरो बैटमैन अधिकतर लोगों को बेहद पसंद है। लगभग सभी ने बैटमैन डीसी देखी है। उस फिल्म में बैटमैन ने जिस गाड़ी का प्रयोग किया था, उसका नाम टम्बलर था। इस गाड़ी का निर्माण नाथन कैरोली और क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। धरती पर चलने वाली इस व्हीकल का इस्तेमाल द डार्क नाइट राइज अप में किया गया था। बैटमैन के अलावा इस कार को जेम्स गार्डन ने द डार्क नाइट मूवी में चलाया है। ये बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत गाड़ी है। इसकी लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 9 फीट 4 इंच है। लगभग 2.5 टन वाले भार की इस गाड़ी की रफ्तार 257 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गाड़ी में 5.7 लीटर केजीएम इंजन लगे हैं, जो कि 500 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। गाड़ी की खास बात यह है कि इसमें सुपर स्वैम्पर टायर्स लगे हुए हैं, जिनकी लंबाई लगभग 44 इंच है। इस गाड़ी में रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन जैसे कई शक्तिशाली फीचर्स उपलब्ध हैं। डार्क नाइट फिल्म में ये नष्ट हो गई थी, जिसके बाद इसे फिर से बनाया गया था। इसकी ड्राइव काफी मजेदार साबित हुई थी। द लेट्रॉन्स। ट्रांसफॉर्मर फिल्म में दिखाया गया है कि ट्रांसफॉर्मर एक अच्छे एलियन के साथ साथ
अच्छे व्हीकल भी हैं। ट्रांसफॉर्मर फिल्म में ही हम सब ने पहली बार देखा था व्हीकल का रोबोट में कन्वर्ट होना। ये लेट्रॉन्स का एक अच्छा उदाहरण है। इस व्हीकल का निर्माण किरसी टर्की कंपनी ने किया था। ये एक रिमोट कंट्रोल कार है जो कि किसी भी समय हमारी इच्छा अनुसार रोबोट में तब्दील हो सकती है। इसके कई रूप बच्चों के बीच खिलौने के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस व्हीकल में रिस्ट एक्शन, काइनेटिक फिगर्स, आर्म मूवमेंट, इंटरएक्टिविटी और भी बहुत सारे अद्वितीय फीचर्स उपलब्ध हैं। कार में किसी भी प्रकार की हानि होने पर बचाव के लिए अनेक सेफ्टी सेंसर्स लगे हुए हैं। ये व्हीकल देखने में काफी आश्चर्यजनक दिखाई पड़ता है। कार को रोबोट में बदलते हुए देखना काफी मजेदार होता है। द हेल साइकिल। इस साइकिल का इस्तेमाल घोस्ट राइडर ने अपने फिल्म में किया था। ये आश्चर्यजनक मोटरसाइकिल किसी भी तरह की सतह पर चलने के लिए कंपैटिबल है। फिल्म में घोस्ट राइडर इससे पानी व जमीन दोनों जगह पर चलता था। गाड़ी के पिछले हिस्से से आग निकलती थी जो कि देखने में काफी रोमांचक लगता है। इसमें सेल्फ बैलेंसिंग फीचर भी था। असल जिंदगी में इतनी सारी खूबियां एक मोटरसाइकिल में मिलना तो मुश्किल है, लेकिन अलग अलग मोटरसाइकिल में इतनी सारी खूबियां जरूर देखने को मिल जाती हैं। होंडा कंपनी की तरफ से बनाई गई ऐसी मोटरसाइकिल जो कि पूर्णतया सेल्फ बैलेंसिंग है। ऐसी ही एक अन्य मोटरसाइकिल देखी गई जिसमें पिछले हिस्से से आग निकलती है। और कुछ कंपनियों ने मोटरसाइकिल का निर्माण कर लिया है जो कि पानी की सतह पर चलने के लिए सक्षम है। इस तरह की बाइक को चलाना और चलाते हुए देखना दोनों ही बेहतरीन होगा। द बैट पॉड मोटरसाइकिल। असल में ये मोटरसाइकिल टम्बलर का ही एक हिस्सा है। टम्बलर कार के कुछ हिस्सों को हटाने पर हमें ये मोटरसाइकिल मिलती है। इसका इस्तेमाल बैटमैन और जेम्स गॉर्डन ने अपनी फिल्म बैटमैन और द डार्क नाइट में किया था। असलियत में भी ऐसी बाइक देखने को मिलती है। ये बहुत ही शक्तिशाली मोटरसाइकिल है। मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर होने की वजह से इसे रोड पर चलाना पूर्णतया अवैध है। मोटरसाइकिल का भार काफी ज्यादा है, इसकी राइड कर पाना मुश्किल है। इसके सारे फीचर्स टम्बलर कार से मैच करते हैं। बैट पॉड का लुक दूसरी मोटरसाइकिल से पूर्णतया भिन्न है। मार्केट में इसकी संख्या भी काफी कम है और इसका कॉस्ट भी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस बाइक को चलाना हर बैटमैन फैन का एक सपना होता है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे सुपर व्हीकल जो कि फिल्मों के अलावा असल जिंदगी में भी पाए जाते हैं। हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा व्हीकल पसंद आया।